नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। अगर जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो उनमें एक नाम आरती जायसवाल का आता है, जो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। संबंधित जानकारी जिला युवा कल्याण विभाग प्रभारी अधिकारी विशाल कुशवाहा के द्वारा मीडिया कर्मियों को दी गई। दरअसल विभाग में बिजली विभाग द्वारा कार्यरत PRD के जवानों की विभाग से विलंब से आ रही वेतन समस्या को लेकर जब जिला युवा कल्याण विभाग में अधिकारी प्रभारी विशाल कुशवाहा से बात की तो उन्होंने बताया कि नवागत जिला कल्याण विभाग अधिकारी आरती जायसवाल द्वारा विभागीय कर्मचारी एवं अन्य विभाग से पदस्थ PRD जवान के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है। नवागत अधिकारी द्वारा समस्याओं को लेकर निरंतर वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है से संबंधित बात कही। वहीं प्रभारी अधिकारी विशाल कुशवाहा ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही PRD जवानों की समस्याओं का समाधान होगा। समस्या के निदान के प्रयास में जिला युवा कल्याण विभाग अधिकारी श्रीमती आरती जायसवाल लगी हुई हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। सर, जैसा कि बिजली विभाग के जो PRD जवान कार्य कर रहे हैं, उनकी वेतन को लेकर समस्याएं आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ विगत एक महीने पहले तत्कालीन जिला युवा कल्याण अधिकारी का निलंबन हुआ था, जिस कारण जो है कुछ वेतन देरी भी हो रही है और विद्युत विभाग से विभाग को भी हम लोगों को 1 से 2 महीने लेट वेतन प्राप्त होता है। वर्तमान में जिला युवा कल्याण अधिकारी कानपुर श्रीमती आरती जायसवाल को जनपद झांसी का आहरण वितरण का कारोबार हुआ है, उनके लिए जो है एक महीने बाद लगभग 28 फरवरी के लगभग उनको कारोबार दिया गया था। सारी पत्रावलियां उनके द्वारा की जा रही हैं, विभागीय भुगतान जितने भी हैं फरवरी 2023 तक भुगत कर दिए गए और अंतिम बार गैर विभागीय भुगतान की पत्रावली दिनांक 24 को प्रस्तुत की गई थी। कुछ उसमें करेक्शन है, कराने के बाद जल्दी ये भी भुगतान कराया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।